आज विश्व सुलेखन दिवस है। हर साल 14 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुलेख और कैलीग्राफी को प्रोत्साहन देना है। आज इसकी झलक सदर स्थित साधना कला केंद्र में देखने को मिली। साधना कला केंद्र में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी कैलीग्राफी सीखते हुए नजर आए। साधना कला केंद्र में सभी लोगों ने मिलकर आज विश्व सुलेखन दिवस यानी वर्ल्ड कैलीग्राफी डे को मनाया। कैलीग्राफी सीख रहे एक बच्चे की मां ने बताया कि हम सबको याद है कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमारी लिखाई को बेहतरीन बनाने पर जोर देते थे। कहते थे लिखाई से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। सुलेख और श्रुतलेख का तब खास महत्व हुआ करता था। सुलेख यानी जो दिया है उसे सुंदर अक्षरों में लिखना और श्रुतलेख का अर्थ जो टीचर बोल रहे हैं उसे अक्षरों में लिखना। हम सब की लिखाई को इसी तरह गढ़ा गया है, लेकिन आज तो हाथ के पंजे में समा जाते छोटे से मोबाइल में टाइप की भी जरूरत नहीं रही है। बोलते जाओ छपता चला जाता है। इसलिए शायद आज विश्व सुलेखन दिवस मनाने की अत्यधिक जरूरत है। इसके माध्यम से बच्चों के बेहतरीन विकास से लिखने के तरीके पर जोर दिया जाता है। एक्चुअली फेसबुक के थ्रू मैं रूपाली मैम के कांटेक्ट में आई थी, तब मैंने ब्रश कैलीग्राफी सीखी। एज अ मदर अगर मेरी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, दूसरा मैं अब अपने बच्चों के प्रोजेक्ट खुद बना लेती हूँ। कैलीग्राफी बहुत ही यूजफुल है, मदर के लिए भी, बच्चों के लिए, और सबको ही मेरे ख्याल से सीखनी चाहिए। कैलीग्राफी बेसिकली इज एन आर्ट एंड आर्ट इज ऑलवेज अ हीलर। तो मेन थिंग इज दैट कि आज वर्ल्ड कैलीग्राफी डे है। इस दिन का यूज़ हम कर सकते हैं अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि सुलेखन यानी कि जो राइटिंग स्किल है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का बच्चा हमारा फ़ोन पर और जो कंप्यूटर है उन पर टाइपिंग करना ही जानता है। तो वहाँ पर इसलिए मेरा ये सोचना है कि आजकल के बच्चों को तो ज़रूर ये कोर्स करना चाहिए। मैंने पर्सनली भी गोथिक कैलीग्राफी यहाँ से सीखी है और ये इंस्टीट्यूट इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा देवनागरी मेरा पर्सनली है वो चल रहा है। बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने समय से ये देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कंसेप्ट है जो हमारे बच्चों को जिसके बारे में पता होना चाहिए। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। आजकल के बच्चों को पता नहीं है ना सर, हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें जब तक बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी हम जो भी फॉन्ट्स टी शर्ट पर या जो भी नए नए फॉन्ट्स हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर लग रहा है या ये प्रिंटेड है। एक्चुअल में वो प्रिंटेड नहीं है, वो कैलीग्राफी ही है। हम अपने बच्चों को अगर इसमें ये बताएं ना, क्योंकि आजकल का बच्चा किस चीज़ को लेकर ज़्यादा फैसिनेट होगा कि वहाँ से अगर उसको हम ये दिखाएं ना कि यहाँ से आपका अर्निंग का भी सोर्स निकलेगा, तो बच्चा ज़्यादा भागेगा उस दिशा में। तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ को ऐसे दिखाएं कि बेटा अगर आज आप कैलीग्राफी सीखते हैं तो कल को आप इससे अर्निंग सोर्सेज भी पैदा कर सकते हैं। कला साधना केंद्र का संचालन कर रही रूपाली ने बताया कि कैलीग्राफी एक आर्ट्स है। आज के समय में कैलीग्राफी दो तरह की है, एक मॉडर्न तो एक एंशियंट। हमारे जितने भी वेद और ग्रंथ लिखे गए हैं वह भी एक कैलीग्राफी का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज कैलीग्राफी अति आवश्यक है। बच्चों की जहां राइटिंग में सुधार होता है, वहीं कैलीग्राफी लोगों के भविष्य का भी निर्माण कर रही है, यानी उन्हें जॉब भी उपलब्ध करा रही है। वर्ल्ड कैलीग्राफी डे मनाते हुए उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कैलीग्राफी डे है जिसे विश्व सुलेखन दिवस रिकॉर्ड जाता है। और सुलेखन हमारे बीच कोई नई चीज़ नहीं है। हम बचपन से जब हम नर्सरी क्लास में होते तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिखना सीखा है, लेकिन लिखने को आज हम इतना नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है लिखने को लेके वो सिर्फ इतना है कि लिखना लेखन सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, लेकिन लेखन एक कला भी है। तो अब जैसे वर्ल्ड कैलीग्राफी डे है वो हमें यही बताता है कि अगर आपको कुछ लिखना है तो कितना स्टाइलिशली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैलीग्राफी का रोल आता है। जो कैलीग्राफी है वो दो तरह की होती है, ट्रेडिशनल आर्ट है और एक मॉडर्न आर्ट है। तो आप जितने भी फॉन्ट्स देखते हैं कंप्यूटर में वो सारा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कैलीग्राफी का।
इसके अलावा उसका एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट भी है जो कि एंशियंट है, हमारे जितने वेदास हैं, हमारा उपनिषद है, जितनी भी हमारी नॉलेज है अगर आज हमारे तक पहुंची है तो वो उस लेखन की वजह से ही पहुंची है। हम इतना टाइपिंग को, प्रिंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हमारे बीच में बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास आई है वो आई तो लेखन से ही है। अगर पहले लिखा नहीं गया होता तो वो टाइपिंग भी नहीं होती उसकी। तो कह सकते हैं कि ये हमारे ज्ञान का एक ओरिजिनल सोर्स है जिससे ज्ञान आगे बढ़ा, उसके बाद ज्ञान का सिर्फ एक्सपेंशन हुआ है। तो लेखन हमारे बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कैलीग्राफी डे मना रहे हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पेपर से नहीं बल्कि टीचर से कैलीग्राफी कर रहे हैं। और पिछले साल हमने बहुत बड़े बड़े पेपर रोज पे किया था, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो राइटिंग है वो कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, वो एक इंटरेस्टिंग आर्ट भी हो सकती है।